हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी इंसेन की तरफ से। तो एमसी इंसेन ने उनके नए सॉन्ग का पोस्टर रिलीज कर दिया, आप देख सकते हो, जिसका नाम है इंडियन मेलोडीज। और ये जो सॉन्ग है ये उनका 6th ट्रैक है उनकी द फील एल्बम का। ये जो सॉन्ग है ये हमको 15 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है मीमैक्स की तरफ से। तो मीमैक्स का जो क्या बोलते ब्रो सॉन्ग आया हुआ था उसका बिहाइंड द सीन का वीडियो आ चुका है बंटा रिकॉर्ड YouTube चैनल पर, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है हरजस की तरफ से। तो हरजस ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी, आप देख सकते हो कि स्टोरी डाली हुई है जिसमें कि उन्होंने डेट दी हुई है 6/1/2022 की, तो उनकी एल्बम आने वाली है। साथ ही उन्होंने एक और स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है एक्स एल्बम स्नेपेट, तो आप खुद सुन सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है सेवन बंटाई की तरफ से। तो जो मिस्टर स्कैम है सेवन बंटाई से, उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी ITS करके। साथ ही जितने भी सेवन बंटाई से आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं सभी ने ये स्टोरी डाली हुई थी। तो आपको क्या लगता है क्या आने वाला है? अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन का जो मिर्ची सॉन्ग है उसने 250 मिलियन व्यूज कम्प्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पर। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है यो हनी सिंह की तरफ से। तो यो हनी सिंह और सिंगस्टा का नया सॉन्ग का पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसका नाम है गड्डी निवी। और ये जो सॉन्ग है ये स्पीड रिकॉर्ड लेवल से आने वाला है। आपको पता होगा कि यो हनी सिंह के बहुत पुराने सॉन्ग जो है वो स्पीड रिकॉर्ड से आते थे। साथ में आपको बता दूं कि ये जो सॉन्ग है ये हमको 16 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाला है। और इस सॉन्ग की शूटिंग मतलब कि जनवरी में 1-2 जनवरी को हुई थी, जब यो हनी सिंह न्यू ईयर मनाने के लिए गए हुए थे दुबई। और ये जो सॉन्ग अब रिलीज हो रहा है। अगली जो न्यूज अब आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें कि एक डॉग के साथ काफी गंदा व्यवहार हो रहा था, और इसी को शेयर करते हुए रफ्तार ने लिखा हुआ था जाहिल। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कृष्णा और रफ्तार का जो सजाए मौत सॉन्ग है वो यहाँ पर एप्पल 100 बेस्ट सॉन्ग ऑफ 2021 में आया हुआ है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो आपको पता ही होगा कि कृष्णा ने एक स्टोरी डाली हुई थी यूट्यूबर्स के डिस्ट्रैक्ट को लेकर। इसके बाद जो धीरू मंचक है उन्होंने भी बहुत सारी स्टोरीज डाली हुई थी। अब धीरू मंचक ने एक रोस्ट वीडियो डाली हुई है उनके यूट्यूब चैनल पर जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ है कि उनका एक डिस्ट्रैक्ट आने वाला है। उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। डिस्ट्रैक्ट का नाम होने वाला है एंड शॉट, और एंड वो ट्रैक सिर्फ जोगिंदर के ऊपर नहीं है, काफी हेटर्स या फिर देख लेना तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या यूट्यूबर म्यूजिक बना पा रहे? इधर असली तेरी बांसुरी बजाता हूं। मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, सुन के जो आज मेरा गलियों में नाम तेरी क्यों है जलरी। ये बेटा टोक मत लोगों पे नकली हिप हॉप, तेरा थोक मत दिन रात भाग मैली करा मेरी लोक मत, अपना सामान लोड़े मेरे बारे सोच मत, लेवल में जाके तुझे काम मिला भाई। वीडियो में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।